वेलकम टू शेयर स्टडी फ्रेंड्स। दोस्तों, भारत और सऊदी अरेबिया के रिश्ते शुरुआत में राजनीतिक स्तर पर तो बुलंद, लेकिन जमीनी स्तर पर कमजोर रहे हैं। आजादी के बाद से ही भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सऊदी अरेबिया की यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों में मजबूती आना शुरू हुआ, लेकिन फिर 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान के विभाजन का सऊदी अरब ने विरोध किया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध में भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का ही साथ दिया, लेकिन अब समय बदल गया है। सऊदी अरब अपनी आर्थिक प्रगति के लिए एक बड़ा बाजार चाहता है, इसके लिए उसके और भारत के बीच संबंधों में मजबूती आने लगी है। कश्मीर में धारा 370 हटाने के पहले नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा हुई। मलेशिया और तुर्की ने भारत का विरोध किया, लेकिन सऊदी अरब ने इस मुद्दे पर भारत की सकारात्मकता को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के इस मामले में सऊदी अरब के हस्तक्षेप करने की अपील को भी ठुकरा दिया। अब विभिन्न क्षेत्रों में सऊदी अरब और भारत के बीच व्यापार बढ़ने लगा है। रिलायंस आरामको डील भारत में सऊदी अरब द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। आज की इस वीडियो में हम भारत और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री पावर की लेटेस्ट आंकड़ों के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर अपनी राय बताएं कि दोनों देश साथ मिलकर या एक दूसरे के खिलाफ कितने ज्यादा ताकतवर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल हथियारों का कंपैरिजन शुरू करने से पहले कुछ जरूरी आंकड़े देख लेते हैं। शुरुआत करें टोटल पॉपुलेशन से, तो भारत की कुल जनसंख्या 1330 मिलियन से अधिक है। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की जनसंख्या 330 मिलियन से अधिक है। पॉपुलेशन रैंक में भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। सऊदी अरब इस लिस्ट में 40वें स्थान पर आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, वहीं सऊदी अरब दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। डिफेंस बजट की बात करें तो ये दोनों ही देश दुनिया में सबसे अधिक वेपन्स खरीदने वाले देश हैं। भारत ने अपने डिफेंस पर पिछले वर्ष 60 बिलियन डॉलर से अधिक का खर्चा किया, वहीं सऊदी अरेबिया ने 65 बिलियन अमेरिकन डॉलर से भी अधिक का खर्चा किया। ग्लोबल फायर पावर की रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया के 138 शक्तिशाली देशों की सूची में 4था सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है। सऊदी अरेबिया दुनिया का 17वां सबसे अधिक शक्तिशाली देश है। अब देखें असल हथियार, तो 21वीं सदी के सबसे घातक हथियार हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो कि भारत के पास लगभग 150 की संख्या में हैं और इससे ज्यादा का उत्पादन भारत कर सकता है। वहीं सऊदी अरेबिया के पास वर्तमान में कोई भी न्यूक्लियर वारहेड नहीं है, लेकिन वेस्टर्न इंटेलिजेंस सोर्सेज की माने तो सऊदी साम्राज्य ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का 60% से भी अधिक का खर्चा उठाया है, और इसके बदले में वे जब भी आवश्यकता हो पाकिस्तान से न्यूक्लियर वारहेड्स ले सकते हैं। इसके बाद देखें मिलिट्री पर्सोनल, तो भारत के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 35 लाख से भी अधिक सैनिक हैं। सऊदी अरेबिया के पास एक्टिव और रिजर्व कुल मिलाकर 8 लाख मिलिट्री पर्सोनल हैं। अब देखें हवाई ताकत, तो इस फील्ड में फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स कुल मिलाकर भारत के पास 600 से भी अधिक ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं। सऊदी अरेबिया के पास इस तरह के 270 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स और इंटरसेप्टर्स हैं। अटैकर एयरक्राफ्ट्स भारत के पास 200 से भी अधिक हैं। सऊदी अरेबिया के पास 80 के लगभग अटैकर एयरक्राफ्ट्स हैं। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, तो यूटिलिटी ट्रेनर स्पेशल मिशन और कॉम्बैट कुल मिलाकर भारत के पास इस तरह के 750 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, और सऊदी अरेबिया के पास इस तरह के 340 से भी अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स हैं, जिनमें कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स की संख्या उसके पास भारत से भी ज्यादा है। अब देखें जमीनी ताकत, तो इस फील्ड में कॉम्बैट टैंक्स, भारत के पास लगभग 4500 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं। सऊदी अरेबिया के पास इस तरह के 1100 के लगभग कॉम्बैट टैंक्स हैं। हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भारत के पास 8500 से अधिक हैं। सऊदी अरब के पास इस तरह के 12000 से भी अधिक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं। दुश्मन की हवाई ताकत को ध्वस्त करने के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर्स भारत के पास 290 से भी अधिक हैं। रूस के साथ S-400 डील कंप्लीट होने के बाद भारत के पास इनकी संख्या और अधिक हो जाएगी। सऊदी अरेबिया के पास इस तरह के 120 से भी अधिक रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। अब देखें समुद्री ताकत, तो समुद्र के जंगी जहाजी बेड़े के लीडर होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो कि भारत के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। सऊदी अरेबिया के पास अभी कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। फ्रिगेट्स, भारत के पास 15 फ्रिगेट्स हैं, सऊदी अरेबिया के पास 7 फ्रिगेट्स हैं। समुद्री शक्ति को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 11 हैं, सऊदी अरेबिया के पास कोई भी डिस्ट्रॉयर नहीं है। फ्रिगेट्स का छोटा वर्जन होती है कॉर्वेट्स, जो कि भारत के पास 20 हैं, सऊदी अरेबिया के पास केवल 4 कॉर्वेट्स हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स भारत के पास 16 हैं, जिनमें से कुछ न्यूक्लियर हमला भी कर सकती हैं। वहीं सऊदी अरेबिया के पास कोई भी सबमरीन वर्तमान में ऑपरेशनल नहीं है।
सो फ्रेंड्स, ये रहा कंपैरिजन भारत और सऊदी अरब की सैन्य शक्ति का। इसके आधार पर आपको क्या लगता है, कौन सा देश किस पर भारी है? अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स एंड थैंक यू वेरी मच।